आधी अधूरी जानकारी गलतफहमियों का कारण बनती है। ये गलतफहमियां आपका बहुत सारा पैसा, वक्त और मेहनत बर्बाद कर सकती हैं। गुलाब के बारे में 5 गलतफहमियों का पर्दाफाश मैं इस वीडियो में करूंगा। पुराने जमाने में गार्डनिंग का ज्ञान लेने के लिए कोई अच्छे ऑथर की बुक पढ़नी पड़ती थी या फिर कोई क्लास को जाना पड़ता था, लेकिन इंटरनेट के ज़माने में ये चीज़ बहुत आसान हो गई है। पर इसकी एक दूसरी साइड भी है जहाँ पे बहुत सारी गलतफहमियाँ फैलाई जाती है। पहली गलतफहमी है रोज़ बुके में आए हुए गुलाब की कटिंग आलू में लगाना। इस तकनीक से बहुत बढ़िया आलू आप उगा सकते हैं, लेकिन रोज़ कटिंग का पौधा बनना लगभग नामुमकिन है। एक बात आप समझ लीजिए, हाइब्रिड टी गुलाबों की नेचुरल जो रूट सिस्टम होती है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए पौधा बनाने के लिए बडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से शायद मिनिएचर और फ्लोरिबंडा के पौधे तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आलू लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मिनिएचर या फिर फ्लोरिबंडा का कटिंग ले लीजिए और उसे रूटिंग हार्मोन में डुबाकर कटिंग लगा दीजिए, आपका पौधा बन जाएगा। पर एक बात याद रखिए, उन रूट्स पर आए हुए पौधों की रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए उन पर फूल कम लगेंगे। इसी बहाने मैं एक और चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा, जो बहुत पुरानी वैरायटीज़ होती है, बहुत ओल्ड वैरायटीज़ जिन्हें माना जाता है, उन्हें आप कटिंग से ज़रूर लगा सकते हैं। यूजुअली 1850 से पहले की जो वैरायटीज़ थी वो वैरायटीज़ कटिंग से ज़रूर लगाई जा सकती हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल होगा देसी गुलाब, जिसे हम एडवर्ड या फिर बसरा भी कहते हैं। दूसरी गलत फहमी है गुलाब के पौधे को राइस हस्क में लगाना। दोस्तों, 40 साल पहले ये जानकारी बहुत ही यूनिक थी, क्योंकि किसी ने भी मिट्टी में छोड़कर गुलाब किसी और मीडिया में लगाया ही नहीं था। राइस हस्क का मीडिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, रोज़ ग्रोअर को लगता है कि इसमें हम कुछ नई बात कर रहे हैं और इसमें पानी भी कम लगता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन राइस हस्क में गुलाब लगाने से फंगस यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू और ब्लैक स्पॉट का कोहरा मचता है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि राइस हस्क को खुद को भी फंगस लगता है। तीसरी बात ये है कि कुछ धान के बीज राइस हस्क में रह जाते हैं, तो वो खरपतवार की मैनेजमेंट करना एक अलग काम हो जाता है। लगभग 30 साल पहले रोज़ एक्सपर्ट्स को ये बात समझ में आ गई और जितनी तेज़ी से ये ट्रेंड चला उतनी तेज़ी से ये नीचे भी आ गया। आज जो लोग आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि राइस हस्क में लगाइए, ये बात, ये ज्ञान लगभग 30 साल पुराना है जो आज अप्लाई नहीं करता। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस आउटडेटेड जानकारी को छोड़ दीजिए और अपने गुलाब एक तो सॉइल बेस्ड पॉटिंग मिक्सचर में लगाइए या फिर कोकोपीट में लगाइए या फिर खंगर में लगाइए। तीसरी गलतफहमी ये है कि सिर्फ देसी गुलाब में ही फ्रेग्रेंस होती है। दोस्तों, हमारे देश में देसी गुलाब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि लोगों को लगता है सिर्फ और सिर्फ देसी गुलाब में ही फ्रेग्रेंस होती है। एक बात आप जान लीजिए, गुलाब के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च किया गया है। उस रिसर्च में से बहुत सारी नई नई वैरायटीज आ गई हैं। ये वैरायटीज न सिर्फ बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट है, वो दिखने में भी बहुत सुंदर दिखती है। परफ्यूम डिलाइट, जाडिस, द मकाटनीज रोज, डबल डिलाइट जैसी बहुत सारी वैरायटीज हैं जिनमें बहुत बढ़िया सुगंध होता है। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि जिस वैरायटी को सुगंध अच्छा होता है वो देसी वैरायटी होती है, तो ये बात भी पूरी की पूरी गलत है। अगर आपको फ्रेग्रेंट गुलाबों की वैरायटीज के ऊपर
एक अलग सा वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चौथी गलत फहमी है 5 पत्तियां और 7 पत्तियां। बहुत ज्यादा जनरलाइजेशन किया जाता है इस बात का कि जिस स्टेम के ऊपर 5 पत्तियां आती हैं उन्हें गुलाब पर रखना चाहिए और जिन पर 7 पत्तियां आती हैं उन्हें गुलाब से निकाल देना चाहिए। लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं होती। जहाँ से बडिंग किया गया है वहाँ से भी अगर ग्रोथ बहुत बढ़िया हो, अच्छे से खाद दी जाए और सही तरीके से केयर की जाए तो ऐसा स्टेम आता है कि जिसके ऊपर 7 पत्तियां हो सकती है। आईफेल टावर नाम की एक बहुत ही बढ़िया और सुगंधी वैरायटी का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने खुद ये वैरायटी उगाई है, बहुत अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी में बर्ड यूनियन से जब एक बढ़िया ग्रोथ आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें 7 पत्तियां आए। तो एक नया रोज ग्रोवर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा कि अब क्या करें। ऐसे वक्त में आपको 5 पत्ती और 7 पत्ती इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आप ध्यान से गुलाब के पौधे को देखिए और बर्ड यूनियन के नीचे से, शायद रूट से या फिर स्टेम से भी जो कोई भी अलग तरह की दिखने वाली ग्रोथ आती है उसे आपको निकाल देना चाहिए। जंगली ग्रोथ के पत्ते और कांटे बिल्कुल अलग दिखते हैं। वैरायटीज से अगर उसे कंपेयर किया जाए तो आप आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हाथ से मरोड़ कर आप उसे निकाल दीजिए। जंगली रूट स्टॉक के ऊपर हमने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो डिटेल में वो वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। पांचवी गलत फहमी है इंग्लिश गुलाब और देसी गुलाब। मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसे क्लासिफिकेशन का कोई मतलब बनता ही नहीं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो देसी गुलाब है, जिसे एडवर्ड या फिर बसरा भी कहा जाता है, उसे छोड़कर पूरी दुनिया में जितने कोई भी गुलाब हैं, जो कोई भी वैरायटीज हैं, उन्हें इंग्लिश गुलाब कहा जाता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं। जो हम नई नई वैरायटीज, जिन्हें मॉडर्न रोजेस कहा जाता है, वो शायद USA में भी बनी हुई हो सकती हैं, फ्रांस में भी हो सकती हैं, जर्मनी में भी हो सकती है, और इंडिया में तो बहुत सारे रोज हाइब्रिडाइजर्स हैं ही। गुलाब का क्लासिफिकेशन करते वक्त आप चाहे तो हाइब्रिड टी, मिनिएचर, फ्लोरिबंडा ऐसा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडर्न रोजेस और ओल्ड रोजेस ऐसा भी उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। गार्डन रोजेस और एग्जीबिशन क्वालिटी रोजेस ऐसा भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन देसी गुलाब और इंग्लिश गुलाब ऐसा क्लासिफिकेशन करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अंग्रेजों ने 150 साल हमारे ऊपर राज किया, उन्हें जाकर भी बहुत सारे साल हो गए, लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में से जाती ही नहीं। दोस्तों, इसकी ज्यादा जानकारी लेने के लिए मैंने 3 important types of roses ऐसा वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे जरूर देख सकते हैं। इंटरनेट पर रोज ग्रोइंग के बारे में बहुत सारे वीडियोज हैं, उनमें आधी अधूरी जानकारी दी गई है और इसी वजह से बहुत सारी गलत फहमियाँ भी फैलती हैं। उन गलत फहमियों से बचाने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको कोई और गलत फहमी पता है तो उसे भी बताइए। इसे शेयर और लाइक भी कीजिए।